हे गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक गाउन दोस्तों आज की वीडियो में हम आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस जो है बहुत ही लार्ज स्केल में पाया जाता है मोस्टली लोगों को जेंडर रिलीजन या फिर उनके प्रोफेशन के बेस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है आर्टिकल फोर्टीन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो यही सारी इनिक्वेलिटीज़ को रिमूव करता है और सारे लोगों को एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड करता है आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट जो है किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के लिए डिनाय नहीं कर सकता ये राइट सिर्फ सिटीजन को ही नहीं नॉन सिटीज़न जो इंडियन टेरिटरी के अंदर है उनको भी अवेलेबल है आर्टिकल 14 में दो चीज़ों की बात की गई है पहला इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है इसमें स्टेट के ऊपर ड्यूटी है कि वो कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करेगी जिससे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो इसके अंदर किसी भी पर्सन को या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी रिगार्डलेस ऑफ द रैंक ऑफ अ पर्सन सब लोग सेम प्रोविजन ऑफ लॉ के सब्जेक्ट होंगे यानी सब पे सेम ही लॉ अप्लाई होगा किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा यानी कोई भी पर्सन लॉ ऑफ द लैंड से अब नहीं है सारे के सारे उस लॉ से अवाइड होंगे सब उसको फॉलो करेंगे दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आया है और एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है यानी इसमें स्टेट के ऊपर ड्यूटी है कि वो ऐसे एक्शन ले जिससे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो अपने जो राइट्स हैं इनको इंजॉय कर सके यानी इसमें स्टेट के ऊपर ड्यूटी है कि वो सारे सिटीजन्स के जो राइट right हैं उनको इक्वली प्रोटेक्ट करें बिना किसी को कोई प्रिवलेज या फेवरेटिजम किए हुए स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के, के केस में कोर्ट ने कहा था कि भले ही इन दोनों टर्म का मीनिंग जो है डिफरेंट है पर ये दोनों टर्म आपस में इंटर रिलेटेड हैं अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ का वॉयलेशन हो रहा है तो फिर ये अपने आप होगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का भी वॉयलेशन होगा क्योंकि इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ जो है वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है इक्वलिटी बिफोर लॉ का आर्टिकल 14 भी एब्सोल्यूट राइट right नहीं है आर्टिकल 14 के भी कुछ एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशन को अलाउ नहीं करता है पर यह परमिट करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन को रीजनेबल क्लासिफिकेशन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रेशनल रिलेशन के बेसिस पे किया जा सकता है स्टेट जो है दो डिफरेंट पर्सन को डिफरेंटली ट्रीट कर सकता है अगर जो सरकमस्टांस हैं वो जस्टिफाई कर देते हैं उस ट्रीटमेंट को कि जो ये ट्रीटमेंट डिफरेंटली किया गया है ये सही है फर्दर अगर आइडेंटिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा अनइक्वल स्टेटस के लोगों को तो ये उनके साथ इनक्वालिटी होगी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वुमेन प्रोटेक्शन राइट हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट हैं जो कि स्पेशल राइट हैं और ये वुमेन्स और चिल्ड्रन्स को दिए गए हैं इसमें जो ट्रीटमेंट है वो वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए बाकी लोगों से अलग है इसमें जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है वो जस्टिफाइड है क्योंकि वुमेन और चिल्ड्रन स्टेटस में बाकी सबसे कंपेयर किया जाए तो अलग है इक्वलिटी बिफोर लॉ में प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अ लाइक यानी अगर दो लोगों का स्टेटस सेम है उनकी कंडीशन सेम है तो स्टेट के ऊपर ड्यूटी होगी कि वो ऐसा कोई एक्ट ना करें जिससे कोई डिस्क्रिमिनेशन हो यानी वो सेक्स रिलीजन कास्ट इन सब के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते वहीं अगर दो लोगों का स्टेटस अनइक्वल है तो यहाँ स्टेट के ऊपर ड्यूटी आती है कि वो इस तरीके से एक्ट करें कि जो दोनों के राइट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके तो यहाँ पे स्टेट के ऊपर काम करने का प्रेशर होता है और इक्वेलिटी बिफोर लॉ में उनको काम नहीं करना होता ऐसा कोई काम नहीं करना होता जिससे डिस्क्रिमिनेशन हो और यहाँ पे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर अनइक्वल स्टेटस है तो स्टेट को कोई एक्शन लेना पड़ता है ताकि दोनों के राइट्स right को प्रोटेक्ट किया जा सके जैसे कि स्टेट्स ने वुमेन के लिए चिल्ड्रेन के लिए स्पेशल राइट right बना रखे हैं ताकि उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके ई आर रोयप्पा वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अनदर के केस में कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है इसीलिए इसका नैरो और इनफ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाना चाहिए आर्टिकल 14 का वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए जो कि रीज़नेबल हो मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल फोर्टीन से आर्बिटेरीनेस को पूरी तरीके से हटा दिया कोर्ट ने कहा कि स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि जो स्टेट का एक्शन है उसमें फेयरनेस और इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट हो अगर वहाँ पे आर्बिट्रेरनेस या फिर अनरीजनेबलनेस होगा तो फिर वो टोटली डिनाइल ऑफ रूल ऑफ लॉ है रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कोई भी पर्सन जो है लॉ से ऊपर नहीं है लॉ है वो ही रूल करेगा यह कॉन्सेप्ट डाइसी ने दिया था इक्वेलिटी ऑफ लॉ जो है वो रूल ऑफ लॉ का ही पार्ट है जिसे डाइसी ने एक्सप्लेन किया है डाइसी ने रूल ऑफ लॉ में थ्री पिलर्स बताए हैं पहला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ऑर्डिनरी लॉ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब है कि जो लॉ है वो ही सुप्रीम है और गवर्नमेंट जो है वो आर्बिट्रेली कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है अगर किसी पर्सन ने कोई भी लॉ को वायलेट किया है तो उसको लॉ के अकॉर्डिंग ही पनिश किया जाएगा गवर्नमेंट उसको अपनी मर्जी से कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकती है यानी गवर्नमेंट को ये शो करना होगा कि जो उनका एक्शन है वो फेयर है और उन्होंने इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ इसका मतलब है कि जितने भी लोग हैं सब लोग सेम प्रोविजन ऑफ लॉ के सब्जेक्ट हैं सब पर एक ही लॉ अप्लाई होगा किसी को भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या प्रिवलेज नहीं दी जाएगी डायसी ने लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दिया था जो कि किंग को दिया गया था क्योंकि इंग्लैंड में ये माना जाता है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग तीसरा पिलर है कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ऑर्डिनरी लॉ इसका मतलब है कि जो भी राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से अराइज़ नहीं हुए हैं बल्कि लॉ ऑफ द लैंड से अराइज हुए हैं और जो कोर्ट है वो इसको एडमिनिस्टर करने में हेल्प करता है इंडिया में फर्स्ट और सेकेंड रूल जो डाइसी ने दिए हैं उनको तो अडॉप्ट किया गया है पर जो थर्ड रूल है उसको ओमिट कर दिया गया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया के अंदर सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है और जो राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही ऑरिजिनेट होते हैं और जो भी रूल लेजिस्लेचर ने पास किए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करने चाहिए ए जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में ये सवाल उठा था कि क्या आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सिवा भी कोई रूल ऑफ लॉ है इंडिया में ये सवाल एमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 14, 21 और 22 के सस्पेंड हो जाने के कॉन्टेक्ट में था इस पे जस्टिस एच आर खन्ना ने अपनी डिसेंटिंग जजमेंट में कहा था कि इवन दो आर्टिकल 21 वन एमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो जाता है लेकिन फिर भी किसी को उसकी लाइफ और लिबर्टी से अगर डिप्राइव करना है तो भी लॉ का सेंक्शन ज़रूरी है इसके बिना किसी को किसी की लाइफ या लिबर्टी को डिप्राइव नहीं किया जा सकता अगर ऐसा किया जाएगा तो एक लॉलेस सोसाइटी और एक ऐसी सोसाइटी जिसमें लॉ है उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं बचेगा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के, के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का। जैसे कि कि हमने पहले पढ़ा हैल right नहीं, है। नहीं किए जाएंगे फॉर वॉट एवर दे हाउस अंडर आर्टिकल 359 जब इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाएगी तो आर्टिकल 14 जो है उस टाइम पे सस्पेंड हो जाएगा और इस टाइम पे अगर कोई भी वॉलेशन ऑफ राइट होता है अंडर आर्टिकल 14 तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता और तीसरा एक्सेप्शन है आर्टिकल 361 जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर को लाइबल नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट में अगर वो अपनी ड्यूटी और पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि अन लोगों को अनक्वल स्टेट ट्रीट कर सकता है ऐसा इसीलिए है क्योंकि इससे लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है अगर ऐसा नहीं किया जाएगा और अन-इक्वल लोगों को भी सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो इससे सिर्फ प्रॉब्लम्स जो है बढ़ेगी आर्टिकल 14 जो है क्लास लेजिस्लेशन को फॉरबिट करता है इसमें वो सिर्फ रीजनेबल और रेशनल बेसिस पे क्लासिफिकेशन अलाउ करता है ना कि आर्बिट्री बेसिस पे अगर क्लास लेजिस्लेशन अलाउ किया जाएगा तो इससे जो पर्टिकुलर प्रिवलेज पर्टिकुलर क्लास होगा सिर्फ उन्हीं को प्रिवलेज दी जाएगी जिससे जो कि एक तरीके से रॉन्ग ही है इसीलिए आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशन को अलाउ नहीं करता है अब ये कैसे पता लगाया जाए कि जो भी क्लासिफिकेशन किया गया है वो रीजनेबल है या नहीं तो इसके लिए स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के केस में दो टेस्ट दिए गए थे अगर कोई भी क्लासिफिकेशन ये दो कंडीशन फुलफ़िल कर देता है तो वो क्लासिफिकेशन रीजनेबल रीज़नेबल क्लासिफिकेशन के अंदर आए पहली कंडीशन है इंटेलिजिबल डिफ्रेंशिया यानी जो भी क्लासिफिकेशन है वो इंटेलिजिबल डिफ्रेंशिया पे बेस होना चाहिए यानी जिसको समझा जा सकता है कि जो ये डिफरेंशिएशन किया है हाँ ये किसी रीज़न की वजह से किया गया है जो कि आर्बिट्रेरी नहीं है नेचर में फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ इनकम फॉर वुमेन एंड चाइल्ड दूसरी कंडीशन है जो डिफ्रेंशिया है वो इस तरीके से किया जाना चाहिए कि जो एक्शन है और जो ऑब्जेक्ट अचीव करना चाहते हैं दोनों के बीच में एक लॉजिकल रिलेशन हो जैसे कि क्लासीफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ इनकम इसे अगर इनकम के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाए तो लो इनकम वालों के लिए कई पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं जिनसे उनको बेनिफिट हो क्लासिफिकेशन फॉर वुमेन किया जाए तो उनके लिए कुछ स्पेशल राइट्स बनाए जा सकते हैं उनके लिए पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं चिल्ड्रन के लिए पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं जो कि उनके बेनिफिट के लिए हो तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि आर्टिकल 14 दो पार्ट में डिवाइडेड है पहला इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वलिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि इंग्लिश लॉ से आया है जिसमें स्टेट के ऊपर ड्यूटी है कि वो कोई भी ऐसा एक्ट ना करे जिससे कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जिसमें स्टेट के ऊपर ड्यूटी है कि वो ऐसा एक्ट करे जिससे लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और आर्टिकल 14 जो है कोई एबसल्यूट राइट right नहीं है इसके भी एक्सेप्शन है यानी इसमें रीजनेबल बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है जिसके लिए स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार में टेस्ट दिया गया है जिसमें सिर्फ दो कंडीशन फुलफ़िल करनी होती है पहला इंटेलिजल डिफरेंशिया की और दूसरा रीजनेबल रिलेशन की तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक यू अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए